एग्जाम्पल है
कि जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस एक साथ हो जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सही दिशा में सब साथ में जा रहे हैं. दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल यंग लीडर्स सिटिंग विद अस एंड उनकी सपोर्ट से ही हुआ है जो मुझे मालूम पड़ा है अब. एंड आई एम सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू जुहू एंड आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर वी हैव अ लीडर लाइक हिम एंड वी लाइक यू यू आर लीडर्स. खास करके अशोक जी, अगर अशोक जी को आधी रात में फोन करो तो पहले आ जाएंगे फिर पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. So thank you so much for that. I'm a part of your family. That's it. Thank you. बॉलीवुड के सिंगर जैसे हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ के माफिया से लड़ते हैं, बॉलीवुड के माफिया से लड़ते हैं और हमें नाज है आपके ऊपर और हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड का भविष्य हो. मंच पर उपस्थित इनके दास साहब भरत शेट्टी जी, मृतक साहब जून पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, हमारे बड़े भाई अशोक पंडित जी, बलिया रोड के नगर सेवक प्रसन्न राठौर जी, सोल के नगर सेवक सुधा सिंह जी, नीता जी, संगीता जी, गोविंद जी, हिमा जी, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी फिर भी आए सभी जू के आजू बाजू के परिसर के हमारे सभी नागरिक. मैं बस एंटर कर ही रहा था तो मुझे किसी ने भाई साहब ने कहा पूछा कि ये नंबर क्या है, तो नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा था लेकिन इसलिए मैंने मेरा अपना मोबाइल निकाला और चेक किया है वो लिस्ट इन माई मोबाइल कि जितने ओपन स्पेसेस डेवलप किए हैं उसकी मैं लिस्ट मेंटेन करता हूँ. तो ये आज का नंबर 43 है. सो दिस इज 43 ओपन स्पेस विच वी हैव टुगेदर डेवलप्ड इन द लास्ट 8 ईयर्स एंड दिस इज आई थिंक द फोर्थ और फिफ्थ वन विच वॉज अ कंप्लीट डंपर. सो राइट फ्रॉम स्क्रैच जो हमने बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो गुलमोहर एरिया रेसिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप को जाता है क्योंकि मेरा रोल वॉज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एलोकेटिंग फंड्स एंड गेटिंग द वर्क डन, बट उस प्लॉट को बचाना, उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ना, माफिया के साथ लड़ना. एंड आई नो दैट दिस केस हैज गॉन अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड उस समय के जो वीपी माड़ा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको स्ट्रिक्चर्स पास हुए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में और उन्हें शायद फाइन भी हुआ था. दरअसल 2 लाख रुपीज फाइन हुआ है उनको फॉर पासिंग रॉन्ग ऑर्डर्स. और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद में ये जगह जो है वो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के अंडर आई है एज एन ओपन स्पेस. मैं आपको इसलिए वो ये बता रहा था दास साहब कि आई जस्ट वॉन्टेड टू वेरीफाई बट द माफिया हियर और जनरली द लैंड माफिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि अभी तक यानी आज दोपहर तक भी मुझे लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी बात कर रहे हैं. Because this letter which I showed you is actually I just wanted to confirm ये NOC है जो हमारा ने हमें दी है ये प्लॉट डेवलप करने के लिए. And somebody from somewhere through somebody sent me this letter saying that we want to speak to you regarding this subject. हमें कनाडा में के रेडी हो गया जनरल से हमें क्या बात करनी है. तो स्किल्स वाले नॉट लॉस्ट हो हाँ बिकॉज यू नो वी ऑल्सो हैव टू बी विजिलेंट because there are 2 or 3 other open spaces which we have developed where there is an open space existing and in spite of that existing open space there are parties in the market who are claiming title of that particular land and fighting a case at the tehsildar and the local city survey office. So you should not be surprised if tomorrow also somebody comes up Ashok ji and claims ownership to this part of land and files a case or whatever, go to various authorities and try to create a dispute. So we should be vigilant. Our fight doesn't stop here. We have got this open space, we have developed open space. Now the next challenge is to maintain this open space and keep it in the hands of citizens forever. This is more than that. I don't see news. लेकिन वहाँ पर 24 घंटा टीवी नहीं है, वो सारे चैनल्स चालू हो गए, बहुत सारी न्यूज़ मुझे उनसे पता चलती है कि आज ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सोसाइटी में बिल्डिंग में यहाँ वहाँ. तो उस पे से मैं अंदाज लगाता हूँ कि पॉलिटिक्स भी लोगों की एक बहुत रुचि का विषय बन गया है और ये अच्छी बात है. मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति में 2014 के बाद में एक रेवोल्यूशन आया है
एक क्रांति आई है। और दास साहब आपने बात सही की कि जो बदलाव आता है, जो रेवोल्यूशन होता है, वो नीचे से आता है। नीचे से तो बदलाव आता ही है, लेकिन ऊपर से जो बदलाव आता है उससे क्या होता है, ये हमारे देश ने पिछले 8 साल में देखा है। ऊपर से कोई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर कोई काम करे तो बहुत कम समय में कितना बड़ा चेंज हम ला सकते हैं, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। और आने वाले समय में भी हमारे मन में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारी इनकम्प्लीट चीजें भी हैं। हम चाहते हैं कि वर्सोवा बीच के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल की एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल भूल है, हम जहाँ पर रहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोहित जी बिल्कुल 65 मिलियन ईयर ओल्ड नॉलेज लॉ, तो 65 मिलियन ईयर हो, 6.5 करोड़ साल पुराना हो वो रॉक है, उसका हमने कॉन्जर्वेशन 10 साल करके लिया है। उसके ऊपर एक सुंदर बहुत गारदेवी माता का मंदिर है। अभी हम चाहते हैं कि वहां पर एक ट्यूबुलर लिफ्ट हम लगाए ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन ऊपर तक नहीं जा सकते वो सारे ट्यूबुलर लिफ्ट से ऊपर जा सकेंगे। फिर हमारे यहाँ पर हमने एक रिसेंट में प्रपोजल एक दिया है, जुहू में एक अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी बनाने का प्रपोजल दिया है। बिकॉज यू नो आई नो दैट जुहू, गुलमोहर, जेवीपीडी, ये सारे एरियाज बहुत कंजेस्टेड है, सो देयर इज नो स्पेस फॉर पार्किंग। बहुत सारे बिल्डिंग्स में एक आदमी के घर में 4 गाड़ियां है, 2 गाड़ी बिल्डिंग के अंदर पार्क होती है, 2 गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क होती है। सो इफ देयर इज अ पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी लाइक द वन वी हैव इन बीकेसी, बीकेसी में ऊपर सुंदर मैदान है जियो ग्राउंड, और उसके नीचे 2000 गाड़ियों की एक पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी है। सिमिलर अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं उसका एक प्रपोजल हमने दिया हुआ है। दूसरा हमने एक अंडरग्राउंड पालिका बाजार का प्रपोजल रिसेंटली लास्ट वीक में दिया हुआ है। सो वी हैव आस्क्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पालिका बाजार वेयर ऑल द हॉकर्स ऑन द रोड कैन बी रिहैबिलिटेटेड इन दैट थिंग। सो एट द सेम टाइम वी विल क्लियर अवर रोड एंड फुटपाथ्स, रोड फुटपाथ को क्लियर करेंगे एंड राइट टू लाइवलीहुड के अंदर उनको भी कहीं ना कहीं उनका जो रोटी रोटी है वो करने के लिए एक जगह बना कर देंगे। अफकोर्स ये सारी ड्रीम्स है।